नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कंपटीशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री। तो आइए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जो पद है वह है आर्टिकल 74 में। इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन के लिए तथा सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री आता है आर्टिकल 74 में। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व कैबिनेट के मध्य की कड़ी होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कुल मिलाकर लोकसभा की वो सारी कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। जो नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 75 के अंतर्गत होती है। तो 74 तो प्रधानमंत्री का पद और नियुक्ति जो होती है वो 75। तो ये दो ही आर्टिकल है जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड है और जो इम्पोर्टेंट है, 74 और 75। योग्यता लोकसभा के समान, किंतु 6 माह में कि संसद की किसी सीट पर निर्वाचित होना आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि बिना लोकसभा या विधान लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव लड़े प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन बनने के बाद 6 माह के अंदर उसको किसी एक सीट पर निर्वाचित होना आवश्यक है। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को ही। ठीक है, प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत दल का नेता भी कहा जाता है। अगर अभी सवाल आए कि अभी बहुमत दल का नेता कौन है, तो वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुमत दल की जगह सत्ता पक्ष भी लिखा आ सकता है एग्जाम में कि वर्तमान में सत्ता पक्ष का नेता कौन है। तो सत्ता पक्ष के नेता कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कोई भी प्रधानमंत्री हो वो लोकसभा में बहुमत दल या सत्ता पक्ष का नेता होता है। प्रधानमंत्री संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये तो कुछ पॉइंट थे जैसे आर्टिकल 74, 75, ये दो हमें ध्यान रखने कि 74 पद से है और 75 नियुक्ति से है। इसके अलावा बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। और संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें देखते हैं। पहला पॉइंट है सबसे लंबे कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 1947 से 64 तक प्रधानमंत्री रहे, यानी कि 16 वर्ष 9 माह 13 दिन। तो ये सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री हैं। और सबसे छोटे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री की बात करें तो हैं अटल बिहारी वाजपेयी। इनकी सरकार मात्र 13 दिन रही। अविश्वास मत के कारण, प्रस्ताव के कारण इनकी सरकार गिर गई थी। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री वो है राजीव गांधी। ये 40 वर्ष की उम्र में ही प्रधानमंत्री बन गए थे। और सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री की बात करें तो वो है मोरारजी देसाई। ये 91 की एज में प्रधानमंत्री बने। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री वो है इंदिरा गांधी। वह प्रधानमंत्री जिसने लोकसभा का सामना नहीं करा वो है चौधरी चरण सिंह। तो इसको याद करने का तरीका यह है कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसने लोकसभा में अपने चरण नहीं रखे, तो वह है चौधरी चरण सिंह। चरण से आपको याद रखना है कि जिसने लोकसभा में चरण नहीं रखे, तो वह है चौधरी चरण सिंह। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, ये 4th नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। इनसे पहले जो तीनों प्राइम मिनिस्टर रहे वो कांग्रेस से रहे थे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। फिर उसके बाद आए मोरारजी देसाई, ये कांग्रेस से नहीं थे। प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? ये भी मोरारजी देसाई हैं। 2 बार बने कार्यवाहक प्रधानमंत्री, ये हैं गुलजारी लाल नंदा। ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहा, तो है गुलजारी लाल नंदा। प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से थे, एक तो थी इंदिरा गांधी, दूसरे इंद्र कुमार गुलजार, तीसरा HD देवगौड़ा और चौथे मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, PV नरसिम्हा राव। ये पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, न लोकसभा के न राज्यसभा के। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य था, तो वो थे HD देवगौड़ा। जब ये प्रधानमंत्री बने, ये उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, कर्नाटक विधानसभा से थे। ठीक है, फिर इन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया। जब प्रधानमंत्री बने तो इनको राज्यसभा से निर्वाचित कर दिया और ये प्रधानमंत्री पद के लिए एलिजिबल हो गए।
क्योंकि हमने शुरू में पढ़ लिया था, बताया था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी सदन से नहीं हो तो भी बन सकते हैं, लेकिन बनने के बाद 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी इसको निर्वाचित होना जरूरी है कोई भी व्यक्ति को, तभी वो प्रधानमंत्री रह सकता है 6 माह के अंदर। तो ये विधानसभा से थे, 6 माह के अंदर निर्वाचित हो गए राज्यसभा से, तो ये प्रधानमंत्री बन गए HD देवगौड़ा। अविश्वास मत से हटने वाले प्रधानमंत्री एक तो है अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे हैं VP सिंह। अगर सवाल आए कि प्रथम बार या सबसे पहले अविश्वास मत से हटने वाले प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है VP सिंह। आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि VP सिंह सबसे प्रथम बार अविश्वास मत से हटने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं, फिर अटल बिहारी वाजपेयी। प्रथम उप प्रधानमंत्री वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान के अंदर उप प्रधानमंत्री नाम से कोई भी पद नहीं है, लेकिन जब प्रथम बार सरकार बनी तब ये पद रखा गया। आपको ध्यान रखना है कि ये अकेले ऐसे उप प्रधानमंत्री रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसने झंडा नहीं फहराया, तो वह प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, इन्होंने आज तक झंडा नहीं फहराया। ये कुछ पॉइंट्स है जो कि प्रधानमंत्री से रिलेटेड है। इसमें एक सवाल और ये पूछा जाता है कि कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा, तो उसका आंसर होगा जगजीवन राम। जग जीवन राम, तो आपको नाम याद रखना है कि कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा, जगजीवन राम का। ये करीब 32 वर्ष तक केंद्रीय मंत्री रहे, जो भी पार्टी सत्ता में आती थी ये उस पार्टी में चले जाते थे, जिस वजह से ये हमेशा केंद्रीय मंत्री रहे और 32 साल तक ये केंद्रीय मंत्री रहे, जगजीवन राम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड हैं, एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। कुछ पॉइंट्स और बचे हैं जिन्हें हमारे नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक के माध्यम से लाने वाला हूँ, जिसे भी आप देखें। अगर आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर पसंद आए तो। आज का हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।